आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं साउथ सिनेमा की वे 10 धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्में जिन्होंने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर राज किया है बल्कि दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। इन फिल्मों में आपको जबरदस्त एक्शन, अद्भुत स्टोरी लाइन और ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जो आपको अपनी सीट से बांधे रखती है। तो दोस्तों, अगर आप भी थ्रिलर, सस्पेंस और पावरफुल एक्शन के दीवाने हैं तो वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टॉप 10 साउथ एक्शन थ्रिलर मूवीज की इस शानदार लिस्ट को। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम हमें कमेंट में जरूर बताएं। लिस्ट में जो पहली मूवी है वह है कंगुआ। साल 2024 की तमिल भाषा की फैंटेसी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन शिवा ने किया है। इस फिल्म में सूर्या ने डबल रोल निभाया है। उनके साथ बॉबी देओल, दिशा पटानी और भी कई सारे कलाकार देखने को मिले हैं। ये बॉबी देओल और दिशा पटानी की तमिल डेब्यू फिल्म है। फिल्म की कहानी वर्तमान और अतीत के दो समय कालों की जोड़ती है। वहीं फिल्म की कहानी है 2024 में फ्रांसिस सियोडर नाम का एक बाउंटी हंटर है अपने मिशन पर होता है। उसकी जिंदगी एक रहस्यमय मोड़ लेती है जब उसका सामना एक बच्चे से होता है और उसका जुड़ाव सामने आता है। ये बच्चा एक गहरे और प्राचीन रहस्य से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर 1070 ईस्वी में एक भयंकर आदिवासी योद्धा ने एक बच्चे से वादा किया था। ये वादा और वह योद्धा किस तरीके से 2024 में फ्रांसिस और उस बच्चे से जुड़े हैं, ये फिल्म की गुत्थी हमें समझनी होगी। ये तभी समझ आएगा जब हम इस फिल्म को देखेंगे। फिल्म में अद्भुत दृश्य, भव्य सेट और एक गहरी भावनात्मक कहानी के साथ फैंटेसी और एक्शन का संपूर्ण मिश्रण इस फिल्म में देखने को मिलता है। फिल्म को 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी जबरदस्त है। अगर आप भी इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में देखना चाहते हो तो प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हो। लिस्ट में अगली मूवी है साल 2024 की गगनाचारी। ये एक भारतीय मलयालम भाषा की साइंस फिक्शन मॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका निर्देशन अरुण चंदू ने किया है और पटकथा शिव साई के साथ लिखी गई है। ये फिल्म की कहानी 2050 के दशक के केरल में स्थापित है जहां तीन कुंवारे युवकों को जिंदगी में एक रहस्यमय एलियन आता है। फिल्म की कहानी तीन दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जो एक साधारण जीवन जी रहे होते हैं। उनकी दिनचर्या उस समय बदल जाती है जब उन्हें एक एलियन से सामना होता है। ये एलियन जिसकी उपस्थिति और गतिविधि काफी रहस्यमय होती है। इन युवकों की जिंदगी में कई हास्यजनक घटनाएं होती हैं। फिल्म में आधुनिक केरल और भविष्य के तकनीक को दर्शाया गया है। साथ ही यह भी दिखाया गया कि इंसानों और एलियंस के बीच का ये मजेदार और अप्रत्याशित संपर्क कैसे हास्य भावनाओं और सामाजिक मुद्दों को उजागर करता है। अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हो तो Amazon प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हो। तो लिस्ट में अगली मूवी की बात करें तो अगली मूवी है अंजमाई। यह तमिल भाषा की कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसे SP सबुरम ने लिखा है और निर्देशित किया है। यह उनके निर्देशन की पहली फिल्म है। फिल्म की कहानी एक निर्भीक महिला अधिवक्ता के इर्द गिर्द घूमती है जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ती है। फिल्म की कहानी है, मुख्य पात्र है वाणी, एक मजबूत और ईमानदार वकील है। वे अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती है। एक हाई प्रोफाइल केस के दौरान उसे राजनीतिक और सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है। उसकी लड़ाई न केवल कानूनी मोर्चे पर है बल्कि वे अपने व्यक्तिगत संघर्षों और समाज में व्यापस्त असमानताओं से भी जूझती है। फिल्म न्याय, नैतिकता और सामाजिक बदलाव के संदेश को प्रकट करती है। इसके साथ ही ये बताती है कि कैसे एक व्यक्ति की दृढ़ता और ईमानदारी से बड़े बड़े बदलाव नेता भी झुक जाते हैं। इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन भी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो AHA स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आप इस फिल्म को देख सकते हो। लिस्ट में अगली मूवी है लांधार। ये एक भारतीय तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन साजिलम ने किया है और इसमें विद्वार्थ और शिवाथी डॉर्थी मुख्य भूमिका में है। फिल्म की कहानी एक छोटे शहर के लड़के की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। ये फिल्म जीवन के कठिनाइयों और संघर्षों को दर्शाती है। साथ ही ये दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत इच्छाओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। मुख्य पात्र का संघर्ष और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए होता है लेकिन इस रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म को रिलीज के बाद काफी मिले जुले रिव्यूज मिले हैं जिसमें इसकी कहानी और निर्देशक दोनों को मिले जुले रिव्यूज मिले हैं। अगर आपको भी एक्शन ड्रामा को फिल्में देखना पसंद है तो आप लंधार मूवी को AHA प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। इस लिस्ट में अगली जो मूवी है वह है रेल।
यह तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे भास्कर शक्ति ने लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म समाज और व्यक्तिगत संघर्षों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी होती है जहां विभिन्न पात्रों की जिंदगियां आपस में मिलती हैं। कहानी में एक ऐसा मुख्य पात्र है जो जीवन के कठिनाइयों संघर्षों से जूझता है। उसके सपने हैं और आकांक्षाएं हैं लेकिन उसकी परिस्थितियां उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोकती हैं। फिल्म में रेलवे स्टेशन को एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है जहां हर किसी की कहानी एक दिशा में जाती है लेकिन एक ही स्थान पर रुकती है, जिससे ये एक गहरे सामाजिक और मानसिक संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। इस फिल्म का उद्देश्य उन लोगों की कहानियों को सामने लाना है जो समाज में छिपे हुए हैं और उनकी आवाज को कोई सुनना नहीं चाहता है। अगर आप एक्शन और मारधाड़ से कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को AHA प्लेटफॉर्म पर फुल HD में हिंदी डब्ड वर्जन में देख सकते हो। इस लिस्ट में अगली जो मूवी है ये एक तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन TJ ज्ञानवेल ने किया है। इस फिल्म में रजनीकांत मुख्य भूमिका में है जो एटियन नामक पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं। एटियन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है जो एक मर्डर केस की जांच करते हुए एक निर्दोष व्यक्ति को एनकाउंटर में गलती से मार डालता है। इसके बाद वे एक और हत्या की जांच करते हुए न्याय की तलाश में जुट जाते हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन, फहद फासिल, राणा डग्गुबाती, रितिका सिंह भी अहम भूमिकाओं में है। इस फिल्म में संगीत अनिरुद्ध द्वारा दिया गया है। फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.9 की रेटिंग मिली है जो बताती है कि फिल्म दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आई है। आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, चलिए बताता हूँ। रजनीकांत के फैंस के लिए ये फिल्म एक बेहतरीन अवसर है क्योंकि वे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के दमदार रोल में देखने को मिल रहे हैं। फिल्म की कहानी एक गहरी और इमोशनल जर्नी को दिखाती है जो पुलिस कर्मियों के व्यक्तिगत संघर्ष और जिम्मेदारियों को सामने लाती है। अमिताभ बच्चन, फहद फासिल, राणा डग्गुबाती जैसे नामी अभिनेता फिल्म में हैं जो फिल्म को और भी आकर्षक बनाते हैं। एक्शन और ड्रामा, फिल्म में जबरदस्त एक्शन दृश्य हैं जो दर्शकों को रोमांचित करने के साथ साथ फिल्म की कहानी को और भी गहराई से जोड़ते हैं। दोस्तों अगर आपको थ्रिलर, एक्शन और ड्रामा वाली फिल्में पसंद है तो आप रजनीकांत की वेटैया मूवी को वीडियो पर देख सकते हो, वो भी हिंदी डब्ड वर्जन में। इस लिस्ट में अगली जो मूवी है वह साल 2024 की तेलुगु भाषा की पीरियड क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसे लेखक और निर्देशक वेंकी अतुलारी ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में दुलकर सलमान है और मीना कश्यप उनके साथ नजर आती हैं। यह फिल्म 1980 के दशक में सेट है और एक बैंक कर्मचारी लक्की भास्कर की रहस्यमय संपत्ति की कहानी को दिखाती है। भास्कर के पास अचानक बहुत बड़ी रकम कैसे आ जाती है, इस सवाल का उत्तर फिल्म में धीरे धीरे सामने आता है। यह फिल्म रहस्य, अपराध और रोमांस से भरपूर है जिसमें भास्कर के जीवन में होने वाले ट्विस्ट और टर्न्स दर्शकों को अपने सीट से बांधे रखती है। वही IMDb की बात करें तो इस फिल्म को 10 में से 7.5 की रेटिंग मिली है। आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, चलिए बताते हैं। दुलकर सलमान ने भास्कर की भूमिका में बेहतरीन अभिनय किया है जो दर्शकों को उनके किरदार से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। फिल्म की कहानी रहस्य और अपराध के साथ 1980 के दशक की शानदार पृष्ठभूमि पर बनी है, फिल्म को अंत तक बांधे रखती है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक नई शैली, ये फिल्म एक अलग तरह की कहानी को प्रस्तुत करती है जिसे इसे एक अनोखा अनुभव आपको देखने को मिलेगा। वेंकी अतुलारी का निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को और भी आकर्षक बनाती है। यदि आप रहस्य, क्राइम और 1980 के दशक के परिवेश से घिरी हुई एक दिलचस्प कहानी देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। आपको ये फिल्म 30 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड वर्जन में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली जो मूवी है वह एक तेलुगु भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसे कृष्णा चैतन्य द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। फिल्म का निर्माण सूर्य देवरा, नागा वास्मी और कई, वहीं यह फिल्म सितारा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है। इस फिल्म में वैश्विक सेन, अंजलि और नेहा शेट्टी मुख्य भूमिका में है। फिल्म की कहानी गोदावरी नदी के किनारे बसे एक छोटे से शहर के अपराधियों और उनके गैंग की गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने गलत रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसे अपने अतीत और अपराधियों और अपने परिवार के बीच संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये फिल्म एक थ्रिलिंग सफर दिखाती है जहाँ संघर्ष, प्रतिशोध और मानवता की जटिलताएं सामने आती रहती है।
फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली है, जो दर्शकों के अच्छी प्रतिक्रिया को दिखाता है। वहीं फिल्म में शानदार एक्शन सीन और थ्रिलर है, जो दर्शकों को स्क्रीन से जोड़े रखता है। चलिए बता दें आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए। फिल्म में शानदार एक्शन सीन और थ्रिल है, जो दर्शकों को स्क्रीन से जोड़े रखता है। वैश्विक सेन और अंजलि की एक्टिंग बहुत प्रभावशाली है, जो तो फिल्म की कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म की कहानी को और भी इंटेंस और थ्रिलिंग बना देता है। अगर आप एक्शन ड्रामा और अपराध आधारित फिल्मों के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर हिंदी में देख सकते हो। लिस्ट में अगली जो मूवी है, ये एक तेलुगु फैंटेसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन ए हर्षा ने किया है। इसमें गोपीचंद मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म दो पात्रों के बीच की कहानी भीमा और राम के बारे में है, जो भाई हैं, लेकिन उनका जीवन एक दुखद घटना के बाद अलग हो जाता है। भीमा एक दृढ़ नायक है, जो पुलिस अधिकारी के रूप में महेंद्रगिरी नामक स्थान पर तैनात होता है, जहां वे एक रहस्यमय बच्चों की तस्करी के मामलों को सुलझाने की कोशिश करता है। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी में रोमांस, एक्शन और ड्रामा का मिश्रण है। गोपीचंद ने इस फिल्म में दो अलग अलग रोल किए हैं। एक में वह ब्राह्मण के रोल में देखने को मिले हैं, तो दूसरे में वह मजबूत पुलिस अधिकारी की भूमिका में दिखाई दिए हैं। फिल्म का नाम है भीमा। इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली है। दर्शकों का मिक्स्ड रिस्पांस मिला है। अगर आप एक्शन और थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं और पुराने मसालों वाली फिल्मों के फैंस हैं, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म की कहानी कुछ पुराने टाइप की है, शायद आपको उतनी पसंद नहीं आए, फिर भी आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो बॉलीवुड प्रीमियर के यूट्यूब चैनल पर आप इस मूवी को देख सकते हैं।